Today we are going to start the centripetal acceleration, right? We have already learned about the relation between acceleration and angular acceleration, a is equals to alpha r. Today we are going to see centripetal acceleration. हाँ भाई, किसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? सुनिएगा ध्यान से. जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो और उसकी मोशन, अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ के मूव अलोंग मूव करते टाइम उसकी स्पीड हर पॉइंट पर सेम रहेगी, डायरेक्शन उसकी हर पॉइंट पर चेंज होगी. तो अगर मैं इसको v1 वेक्टर लिख दूं, तो इसकी स्पीड v बोल रहा हूँ, ये v2 वेक्टर, डायरेक्शन चेंज है लेकिन स्पीड सेम है. फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड डायरेक्शन इधर, 10 मीटर पर सेकेंड डायरेक्शन इधर. तो इसलिए हम वेक्टर वाइज लिखेंगे तो डिफरेंट लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है. सो इफ एनी पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन अलोंग अ सर्कुलर पाथ, देन ड्यू टू द चेंज ऑफ डायरेक्शन एन एक्सेलरेशन कम into the picture and it always acts towards the center. तो कहीं पे भी ये object जाए, हमेशा center की तरफ एक acceleration produce होगा और इस center की तरफ लगने वाले acceleration को ही हम क्या बोलते हैं, centripetal acceleration. तो अगर यहाँ पे होगा, मान लीजिए ये इसकी जो भी v3 हो गई, तो ये acceleration की direction इधर, यहाँ पे हो गया ये v4 हो गया, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ, सेंटर की तरफ, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. सो इस एक्सेलरेशन को ही बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम यहां पर. तो लेट सपोज अभी अगर मैं बात करूं कि किसी टाइम पर मान लीजिए कि एक और सर्कुलर पाथ बनाते हैं, या यहाँ की जगह ऊपर बनाते हैं थोड़ा. लेट सपोज किसी भी टाइम पर ऑब्जेक्ट यहां पर है इस पॉइंट P पर, और कुछ टाइम बाद मान लीजिए वो Q पॉइंट पर पहुंच जाता है. लेट सपोज यहां पर T टाइम पर था और डेल्टा टी टाइम बाद, यानी कि टी प्लस डेल्टा टी बाय टी टाइम बाद, जो उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया डेल्टा थीटा, और यहाँ से यहाँ तक जो भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी आर के अलोंग डेल्टा एस, अगर ये डेल्टा एस बहुत शॉर्ट हो तो ऑलमोस्ट यहाँ पर अब समझ सकते हैं कि अगर ये यहीं पर होता और इसके कंपेरिजन में यहीं पर आता, तो ये जो आर्क होती वही ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन का काम करती. तो अभी मैं इस बड़े डायग्राम के अंदर ये मान के चल रहा हूँ कि जो डेल्टा एस है वो काफी शॉर्ट है, इस वजह से ये डेल्टा एस को हम एज ए कॉर्ड ट्रीट कर रहे हैं. ठीक है, ये तो इसके अंदर अगर वेलोसिटी में चेंज पूछा जाए, तो इसको अगर मैं v1 लिख दूं और इसको v2 लिख दूं, और इसके सामने अगर मैं इसका v1 और v2 के अंदर चेंज, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल. चेंज इन वेलोसिटी का मतलब v2 माइनस v1 अपॉन टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल हमने टी से टी प्लस डेल्टा टी, तो टाइम इंटरवल पी और क्यू के बीच का कितना हो गया, डेल्टा टी. ठीक है, अच्छा साहब, अब हमारा एम है v2 माइनस v1 निकालना और मेन चीज इसकी डायरेक्शन निकालना. तो v2 माइनस v1 का मतलब हुआ कि मुझे कैसे कर दूं मैं v2 v1 को अगर निकालना है, तो पहले मैंने यहाँ पे v1 लिया. हमें पता है कि किसी भी वेक्टर को उठा करके कहीं पे भी रखा जा सकता है, बस उसकी क्या चेंज नहीं करनी होती है, डायरेक्शन और लेंथ चेंज नहीं करनी होती. तो अगर ये v1 है और स्पीड अगर इसकी कॉन्स्टेंट है, यानी कि ये v है और ये भी v है, तो लेंथ वाइज भी दोनों को आप सेम बनाएंगे. इस चीज में ध्यान रखें, तभी आप डायग्राम से डायरेक्शन को शो कर पाएंगे. तो मैंने मान लीजिए कि ये उठाई और यहां पे रख दी. ठीक है, इस समय ये उठाई और यहां पे रख दी. अब जितनी लेंथ मैंने v1 की ली है,
क्योंकि स्पीड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये जो लेंथ है वो सेम रहनी चाहिए, उतनी ही लेंथ मैं वी टू की लूंगा क्योंकि स्पीड सेम है। तो जितनी ये लेंथ है इसको उठाया और यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो मान लीजिए प्लेस करूँ उसमें डायरेक्शन, ये लेंथ कितनी रखनी, इतनी, तो ये मैंने रख दी। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या वी टू, वी वन वैक्टर, वी टू वैक्टर। इसको थोड़ी देर के लिए नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक, मैंने इन दोनों एरोस को ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया यहां से, और एक एरो बी से सी की तरफ लगा दिया, यानी कि बी सी वैक्टर। अब आप देखिएगा एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान नहीं रखना, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये रेडियस है, ये सेंटर है, ये पॉइंट अगर पी है तो ये इसकी रेडियस कहलाएगी, ये क्यू है तो ओ क्यू भी इसकी रेडियस कहलाएगी, कहीं पे भी जाए तो ओपी किसका काम कर रही है, रेडियस का, ओ क्यू किसका काम कर रही है, रेडियस का। और ये वी वन इस पर टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट, टेंथ क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इस चीज को देखिएगा कि ये रेडियस है और इसके परपेंडिकुलर सिचुएशन ये है, ये वाले, ये इसके परपेंडिकुलर बना दिया। अब अगर ये रेडियस डेल्टा थीटा एंगल बनाएगी तो ये वाली, ये वाला जो इसका परपेंडिकुलर है ये कितना घुमा होगा, खुद सोच करके बताइए कॉमन सेंस से। ये यहां पर 90 डिग्री पे था टेंजेंशियल, ये इधर गया, तो ये इसने रेडियस ने अगर डेल्टा थीटा बनाया है तो इस V2 ने V1 के रेस्पेक्ट में ये भी कितना घुमा होगा, डेल्टा थीटा। ये देखिएगा ये मेरी फिंगर है, इसको अगर मैं डेल्टा थीटा घुमा रहा हूं तो उसके साथ साथ ये भी तो घूम रहा है, तो जितना ये 30 डिग्री बनाऊंगा तो ये भी 30 डिग्री से ही घूमेगा क्योंकि साथ ही साथ घूम रहा है दोनों। तो ये एंगल जो देखें V1 और V2 के बीच में, ये एंगल कितना हो जाना चाहिए, डेल्टा थीटा। ठीक है, ये डेल्टा थीटा हो गया। अगर इस ट्राइंगल के अंदर, ये जो ट्राइंगल नजर आ रहा है आपको एबीसी वाला, इसमें अगर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दिया जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वी में राइट वेक्टर एडिशन। ध्यान से देखिए तो कंटिन्यूस टू साइड्स इसके अंदर देखी जाए तो ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, ए बी सी, इसमें अगर ए बी इज, ए बी और बी सी आर कंटिन्यूस साइड्स, तो ट्राइंगल लॉ कहता है कि सम ऑफ टू कंटिन्यूस साइड्स विल बी इक्वल टू लास्ट साइड विच इज क्लोजिंग द ट्राइंगल इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ए सी वैक्टर। ए बी वैक्टर को हमने क्या बोल रखा है, वी वन, ए सी वैक्टर को क्या बोल रखा है, वी टू। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, सो ए बी की जगह वी वन, बी सी अभी हमें नहीं पता, बी सी रख दिया, ए सी है वी टू। अगर मैं यहां से बी सी निकालूं तो मुझे मिलेगा वी टू माइनस वी वन, और वी टू माइनस वी वन इज नथिंग बट द डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। सो बी सी वैक्टर ही एक्चुअल में यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा वी। ये मैंने बिल्कुल इसकी सीध में पॉइंट लिया था और उसके अकॉर्डिंग फिर V2 को यहां प्लेस किया, तो ये डायरेक्शन अगर देखे तो ये कहां पे मीट होती हुई नजर आ रही है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो हमने क्या बोला कि जो डेल्टा V है, A की डायरेक्शन किस पर डिपेंड करती है, A वेक्टर की डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कौन शो कर रहा है, BC वेक्टर। BC वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, इस डायग्राम से अगर कंपेयर करें डायग्राम के अकॉर्डिंग तो टुवर्ड्स द सेंटर। तो क्लियरली A वेक्टर की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, टूवर्ड द सेंटर। तो पहली चीज हमने बता दी कि जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी तो वेलोसिटी में डायरेक्शन के कारण जो चेंज आएगा उससे एक एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में एक्ट होगा, सेंटर की तरफ। इस सेंटर की तरफ लगने वाले एक्सेलरेशन को ही क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, शॉर्ट में ए सी पी, सी पी मीन्स सेंट्रीपीटल। ठीक है, अब हमें इसका एक्सप्रेशन ऑप्टेन करना है कि हाउ मच इट शुड बी, कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हम आते हैं अब यहाँ पे इन डायग्राम्स को कंपेयर करते हैं। अगर इन डायग्राम्स को कंपेयर करें तो
इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, अगर ये एक छोटा ट्राइंगल है तो जिसके अंदर हमने बोल रखा है कि डेल्टा एस इज लीनियर, कॉर्ड और आर्क दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, अगर मैं ओ पी और ओ क्यू का अगर रेशियो लूं, ओ पी और ओ क्यू का रेशियो लूं तो कितना आ जाएगा, आर अपॉन आर। अब ये ओ पी इसका मतलब मैग्नीट्यूड चल रहा है, वेक्टर नहीं लिख रहे हैं, तो ओ पी कितना है रेडियस, ओ क्यू कितना है रेडियस, आर अपॉन आर वन, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर एंगल पी ओ क्यू बोलूं तो ये कितना है डेल्टा थीटा, इक्वेशन टू। अब अगर मैं दूसरा ट्राइंगल लूं, इन ट्राइंगल वेलोसिटी वाला ट्राइंगल, वेलोसिटी वाला ट्राइंगल जैसे मैंने ओपी क्यू बोल दिया तो ऐसे मैं क्या बोल सकता हूं, एबीसी ट्राइंगल, एबीसी ट्राइंगल, एबीसी में जैसे मैंने ओपी और ओक्यू का रेशियो लिया वैसे मैं किसका रेशियो ले रहा हूं, एबी और एसी का, एबी और एसी का रेशियो ले लूं तो एबी कितना दिख रहा है हमें, वी वन का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वन एबी। एसी कितना नजर आ रहा है, वी टू का मैग्नीट्यूड, वी वन का मैग्नीट्यूड भी वी है, वी टू का मैग्नीट्यूड भी वी है, ये भी वन हो गया क्योंकि हमने बोल ही रखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड सेम होगी, ठीक है। इसी ये हमने फर्स्ट निकाल लिया इसमें। इसी तरह से अगर इसके अंदर एंगल की बात की जाए तो जैसे मैंने एंगल लिया पी ओ क्यू, ऐसे एंगल क्या लूंगा, बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये कितना है यहाँ पर डेल्टा थीटा। ये हमने फिगर से ऑप्टेन किया हुआ है लॉजिक के थ्रू कि अगर सिंस रेडियस टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो इफ रेडियस विल बी मूविंग विद एन एंगल डेल्टा थीटा देन द सेम टेंजेंट शुड ऑल्सो रोटेट विद एंगल डेल्टा थीटा। अब अगर यहां दो ट्राइंगल देखें तो दो ट्राइंगल जिनके अंदर साइड्स के रेशियो, दो साइड्स के रेशियो इक्वल हो और अगर एंगल सेम हो तो वो क्या बोले जाते हैं, सिमिलर ट्राइंगल। कॉन्ग्रेंट नहीं, कॉन्ग्रेंट तब बोलते हैं जब साइज भी सेम हो। सिमिलर का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये एक ट्राइंगल ऐसा है और ट्राइंगल बड़ा भी हो लेकिन अगर इनके इसका इसका रेशियो, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मान लीजिए इसको ऐसे बनाते हैं जिससे आपको इक्विलेटरल नजर ना आए, ये देखिए ये एक छोटा ट्राइंगल ये बड़ा ट्राइंगल, इसका इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर ये आपस में इक्वल हो, इन दोनों का रेशियो मान लीजिए 2 आ रहा है और इन दोनों का रेशियो भी 2 आ रहा है और इनका एंगल, इनके बीच का एंगल सेम होता है तो ऐसे ट्राइंगल्स को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्राइंगल। और सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन क्या होते हैं कि उनके सभी, फिर अगर एक बार आप सिमिलर ट्राइंगल प्रूव कर दो तो कंडीशन ये हो जाती है कि फिर कोई से भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लो फिर वो भी सेम आएंगे। इसका मतलब आप इसका और इसका रेशियो लोगे तो इसमें इसके रेस्पेक्ट में और इसके रेस्पेक्ट इसका रेशियो वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। इसी मेथड को, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे, क्लियरली क्लियरली बाय इक्वेशन 1, 2, 3 and 4 ट्राइंगल कौन कौन से चूज किए हमने, ओ पी क्यू, या आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो पी ओ क्यू ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे कि हम किधर से किधर लेकर के जा रहे हैं। पी ओ क्यू यानी कि वी वन से स्टार्ट किया था वी टू की तरफ गए तो इसमें भी उसी तरीके से स्टार्ट करें, बी ए सी ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू, ये सिमिलर टू का सिंबल होता है, इज इक्वल टू बी ए सी। अगर ये सिमिलर कर दिया है तो अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो हैं वो आपस में सेम होने चाहिए। तो अब मैंने पीओ क्यू के अंदर एक रेशियो लिया, दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू अपॉन ओ पी, पी क्यू देखिए कौन है, पी क्यू डेल्टा एस, ओ पी स्टार्टिंग वाली वी वन जाना था स्टार्टिंग वाली वो साइड, ओ आर मतलब ओ पी आर, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज लिखने तो वेक्टर रहेगा नहीं इसमें, ये आपकी डेल्टा एस ये है आर। इसी तरह से अगर यहां लिखूं बी ए सी के अंदर
तो इट शुड बी इक्वल टू किसके, जैसे मैंने यहां पे पी क्यू लिखा यानी कि जिनके बीच में एंगल बन रहा है उसकी सामने वाली साइड, तो एंगल बन रहा है उसके सामने वाली साइड हो गई बी सी, तो ये मैंने लिख दिया बी सी अपॉन, वन सेकेंड एक्सक्यूज मी, तो हमने क्या क्या ले लिया, पी क्यू के रेस्पेक्ट में बी सी और ओपी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने दूसरी साइड ले ली है ए बी। पी क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डेल्टा एस को, ओपी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डेल्टा आर को, BC किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड वाइज वेक्टर नहीं लगाना है, डेल्टा V, AB साइड किस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, V1 का मैग्नीट्यूड बोले तो V, इक्वेशन नंबर 5, यहां तक अब हम आ चुके हैं। अब इसके बाद इसको आप चाहो तो 5 स्टार स्टेप लिख लो, क्यों, क्योंकि इसके बाद आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए, क्या स्ट्राइक होना चाहिए, आप सोचें, हमें रिलेशन चाहिए एक्सेलरेशन का, हम ये सारी कहानी क्यों कर रहे हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट यहां किस लिए लगा रहे हैं, टू फाइंड एक्सेलरेशन, ए सी पी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सारी कहानी कर रहे हैं। और एक्सेलरेशन होता है, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बोलूं तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यहां डेल्टा वी मिल चुका है, बस किसकी कमी चल रही है, डेल्टा टी की, तो डेल्टा वी के नीचे डेल्टा टी लाने के लिए क्या करना चाहिए, दोनों तरफ डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, रिमेनिंग पोर्शन में इधर कर रहा हूं साहब, ठीक है, सो इक्वेशन 5 को मैं किससे डिवाइड कर दूं, डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी, dividing both side in equation 1, है ना, in equation 1 नहीं 5, in equation 5 dividing both side by delta v, delta t, we get क्या मिलेगा हमें, delta s upon r delta t is equals to delta v upon v delta t, बहुत बढ़िया, हम एक्सेलरेशन के नजदीक पहुंच चुके हैं, हमने क्योंकि पहले से अज्यूम किया हुआ है कि डेल्टा एस बहुत छोटा है, तभी उसको हमने कॉर्ड और आर को सेम माना हुआ है, तो वो कंडीशन यहां कैसे अप्लाई की जाती है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग अ लिमिट, और लिमिट क्या कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तभी डेल्टा एस छोटा हो पाएगा, सो व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो देन हाउ डू वी राइट इट, अब जो कांस्टेंट है रेडियस कांस्टेंट है तो वो लिमिट के बाहर रहेगी, तो वन अपॉन आर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वन अपॉन वी, बाहर रहेगा, स्पीड है कॉन्स्टेंट है, लिमिट जहां चेंज है बस वहीं पर लिमिट सब्स्टिट्यूट की जाएगी, ठीक है, सो ये हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ध्यान से देखिए जब भी ये फॉर्मेट दिखता है हमें ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी में, इंस्टेंटेनियस वाली सिचुएशन में, तो ये क्या लिखा जाएगा, वन अपॉन आर डी एस बाय डी टी इज इक्वल टू वन अपॉन वी डी वी बाय डी टी, डी वी बाय डी टी, अगर डी एस अपॉन डी टी पूछा जाए तो डी एस अपॉन डी टी क्या कहलाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, सो वन अपॉन आर इन टू वी, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लीनियर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो सीधी लाइन के अकॉर्डिंग डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, तो आप वेलोसिटी भी बोल सकते हो, वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी टी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्या ये वी से वी कैंसिल हो जाएगा, यस और नो, होगा कि नहीं होगा, चांटे खाओगे, दो भोंट दिमाग, ये v ऊपर है और ये v नीचे, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इसको घुमा के लिख रहा हूं, a इज इक्वल्स टू ये v इधर चला गया तो क्या बना, v स्क्वायर अपॉन r, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हमने बताई दी टुवर्ड्स द सेंटर और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर आ गया, v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, अच्छा सा,
अब अगर इसको मुझे एक चीज और पता है, इसको इक्वेशन सिक्स से लिख दें, हम पहले ही ऑप्टेन कर चुके हैं सिंस वी नो दैट, व्हाट डू वी नो दैट, कि वी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज ओमेगा आर होता है एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में। इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं यहां पर तो मुझे ए क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू वी की जगह ओमेगा आर का होल स्क्वायर अपॉन आर, बोले तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, आर से एक आर कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मेट हो गया सेवन। हेंस द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is given by ACP is equals to V square upon R or omega square R, where V is the linear velocity, omega is the angular velocity. This is the most important formula, ACP. How many of you understood it fully? अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, क्या लिख देते हैं कि हमने एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऑप्टेन किया हुआ है अल्फा, यहाँ पे फॉर्मूला ऑप्टेन कर लिया v = a = v स्क्वायर अपॉन r या ओमेगा स्क्वायर r। तो बताइए कि ये दोनों, इसको मैं डायरेक्ट अभी अल्फा r के बराबर रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? No, sir. रीजन भाई, ये a इज इक्वल टू अल्फा आर है और ये a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r या ओमेगा स्क्वायर r है, तो क्या मैं ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू अल्फा r लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? हाँ कि ना? नो सर। रीजन सर, क्योंकि वो वाला बाहर लगता है और वो सेंट्रीपिटल है। वेरी गुड। ये जो हमने निकाला था, ये इसको बोला था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, टेंजेंट के अलोंग जो एक्सेलरेशन आ रहा था, टेंजेंट के अलोंग जो चेंजेस आते हैं उसके कारण, ठीक है, ये आ रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। तो दो तरह के एक्सेलरेशन हो गए, एक अलोंग द टेंजेंट जैसे v1 और v2 अलोंग द टेंजेंट लग रहे हैं, और एक r अलोंग द सेंटर इस तरह से, तो वो सेंट्रीपिटल है। तो ये दो अलग अलग एक्सेलरेशन है और इनका फिर नेट एक्सेलरेशन अलग निकलता है। तो ध्यान रखिए, डायरेक्ट इक्वेट नहीं करते हैं, है ना, ये दो अलग अलग एक्सेलरेशन हमारे पास है, ठीक है। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट आप लिखोगे, फॉर्मूला क्या कहा गया, वी स्क्वायर अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। जब कोई भी जनरल सिचुएशन होगी, टेंजेंशियल बात करनी है तो अल्फा आर, और जब नॉन यूनिफॉर्म होगी, जिसको भी आगे डिस्कस करने वाले हैं, उसमें फिर दोनों एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होंगे। तो अब कहीं पे जैसे दो वेलोसिटी लग रही हो, दो जगह पे लग रही हो, तो उसका इफेक्ट कैसे निकालते हैं, मान लीजिए एक है v1 एक है v2, एक जगह लग रही है v1 वेलोसिटी से जा रहा है, एक v2 से जा रहा है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, बाय वेक्टर सम, ये v, ठीक है, और इसको कैसे कर लेते हैं, v का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा, जहां पे थीटा क्या होता है, v1 और v2 के बीच का एंगल। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर कि मैं किसी भी जगह इंस्टेंटेनियस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछूं, तो ये हुआ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये हुआ at वेक्टर वाइज टेंजेंट डायरेक्शन में। acp पूछूं तो उसकी डायरेक्शन होगी रेडियस की तरफ, यानी कि सेंटर की तरफ, रेडियल डायरेक्शन में, रेडियस वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में, ये होगा आपका acp। ध्यान से देखो तो आप, क्या इतना समझ में आता है कि दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि ये टेंजेंट है, at किसके अलोंग है, टेंजेंट, acp किधर है, रेडियस वाली लाइन पर, रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो acp, ये acp लिखा है, दिख नहीं रहा हो तो ये acp और वो at, तो इनके बीच में हमेशा एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो अगर मुझे
मैं चलो हाथों हाथ डिस्कस ही कर देता हूँ, लेट सपोज दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो इसके अंदर दो तरह के एक्सेलरेशन आ सकते हैं, एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल। तो हाथों हाथ इसको डिस्कस करके खत्म ही करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोले तो वेरिएबल सर्कुलर मोशन। तो इस टाइम पे टू एक्सेलरेशन विल बी टेकिंग पार्ट, वन 80 अलोंग द टेंजेंट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, और ACP अलोंग द सेंटर या टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। क्लियरली AT वेक्टर वाइज ACP के परपेंडिकुलर होगा, तो इनके बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री बिटवीन दीज टू। देयरफॉर ए नेट, अगर मैं नेट एक्सेलरेशन पूछूं तो ए नेट क्या लिखूंगा, इन दोनों का वेक्टर सम AT प्लस ACP वेक्टर नेट एक्सेलरेशन। तो इस नेट एक्सेलरेशन को लिखूंगा कैसे, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस ACP स्क्वायर प्लस 280 ACP cos 90, cos 90 तो जीरो, तो सिर्फ यही बचेगा, तो अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस ACP स्क्वायर। AT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा r, ACP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर अपॉन r या ओमेगा स्क्वायर r। सो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इस तरीके से। डायग्राम में अगर मैं शो करूं तो देखिएगा, मान लीजिए ये AT है, ये ACP है, तो इसके थ्रू मैं कैसे शो करूंगा आपको कि इसका नेट एक्सेलरेशन किधर आ रहा है, ये AC AT, तो एक पैरेललोग्राम लॉ बना दूं, तो इस क्यू वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं, इस लाइन के अलोंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये वाली डायरेक्शन किसकी हो गई, ये जो इनका डायगोनल आया वही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए नेट। ये ठीक वैसा है जैसे अगर एक जगह पे V1 होता है, एक जगह पे V2 होता है, तो हम पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं V1 V2, तो इसका एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, तो ये इसका डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करता है, इनके V नेट को, V1 प्लस V2 को। तो ये A नेट वेक्टर इस डायरेक्शन में कहीं पे लग रहा है, फिर जैसा मैग्नीट्यूड जो वैल्यूज देंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस सिचुएशंस आल्सो फुली। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेंट्रीपिटल फोर्स, एज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पर बोला जाएगा, सर्कुलर मोशन के दौरान ही। तो कैसे इसको डिफाइन किया गया है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यानी कि इसकी मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो हमेशा एक फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर रखता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है उस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाते रहने के लिए, और उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है। ऐसे फोर्स को ही बोलते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सो हाउ वी कैन डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स, अ फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एक्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अगेन व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एक्स ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर ये मैंने बहुत सारे पॉइंट बना दिए, तो अगर ऑब्जेक्ट किसी इंस्टेंट पर यहां पर है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किधर लगना चाहिए, सेंटर की तरफ। तो ये जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ लगा, इसको बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों रिक्वायर है, आप सोचो कि इसको एक प्रैक्टिकल सिचुएशंस देखते हैं ना, जिससे आपको थोड़ा सा माइंड में समझ में आए कि क्या बोल रहे हैं और ये कैसे लगता है। मैंने एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़ लिया, जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं मस्ती करते हैं, हाथ पकड़ लिया। अब सोचिए मैंने उसको पकड़ रखा है,
वो मेरे से अगर मैं उसका हाथ छोड़ दूं तो सीधा भाग जाएगा, यहां पे मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, तो अगर मैंने हाथ नहीं पकड़ा होगा तो ये सीधा इधर चला जाएगा। मैंने इसका हाथ पकड़ रखा है और ये यहां से मेरे से भाग करके दूर जाना चाहता है, मैंने उसको पकड़ रखा है, यानी कि हम दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रहा है। वो घूमेगा, लेकिन जहां जहां घूमेगा वो मेरा हाथ रेडियस का काम कर रहा है, ओ और पी, वो हमेशा मेरे हाथ से कभी भी नहीं छूट सकता। उसका हाथ और मेरा हाथ की जो डिस्टेंस होगी हमेशा सेम बनी रहेगी। तो अगर डिस्टेंस सेम बनी रहे और फिर भी वो घूम रहा है, तो खुद सोचो, माइंड में सोचो ये सिचुएशन, तो कैसा पाथ बनेगा? सर्कुलर पाथ, यही वो चीज है कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये मुझसे यहां पर है, और जैसे ये आगे जाना चाहता इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया गया मेरी तरफ। पहले ये यहां पे, इस पर मेरी तरफ फोर्स लगा दिया गया, तो ये यहां से घूम करके यहां पे आया। देखिएगा, यहां था, आगे जाना चाह रहा था, लेकिन ये सीधा ना जा करके इस जगह पे आ गया, क्योंकि हाथ की डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। फिर ये यहां से सीधा ऐसे जाना चाहता, लेकिन अब ये घूम करके ये यहां पे आ गया। फिर यहां जाना चाहता लेकिन यहां आ गया, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम रखनी है आपको हमेशा। तो अगर मैं डिस्टेंस हर इस पॉइंट से हर जगह डिस्टेंस सेम रखूं तो कैसा पाथ निकल करके आएगा? सर्कुलर। तो ये जो सर्कुलर पाथ आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? इसके बीच में और इस पॉइंट के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है जो इस ऑब्जेक्ट को इस सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है। अब ये चीज कहां पे वैलिड है? हर जगह जहां पे भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, हर जगह। सबसे बेस्ट एग्जांपल प्लेनेटरी मोशंस। सन है बीच में, चारों तरफ है कौन? प्लैनेट्स। उनके बीच में क्या लग रहा है? वहां पे कोई हाथ वात नहीं पकड़ रहा है, ठीक है? वहां पर क्या लग रहा है? आपको पता ही है कि कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। तो अगर ये सन ले लें, दिस इज सन, और ये अर्थ मान लें, तो सन और अर्थ के बीच में एक ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, जिस वजह से, तो ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? आप खुद सोचिए कि अगर ये इसके चारों तरफ मूव कर रहा है तो हमेशा हर जगह पे सेम बना रहना चाहिए, हमेशा हर जगह सेम बना रहना चाहिए। इस वजह से ये फोर्स किधर लगना चाहिए? टूवर्ड्स द सन। सन किधर है? टूवर्ड्स द सेंटर। तो वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में बनाए रखने के लिए रिक्वायर्ड हो, ऐसे फोर्स को बोला जाता है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। जिस जगह पे सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाएगा, उस जगह एकदम से ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में स्टार्ट कर लेगा अपनी मोशन को। कैसे? दूसरा प्रैक्टिकल एग्जांपल, आपने लिया एक थ्रेड, जैसे पतंग की डोर होती है वैसा, उससे आपने एक स्टोन किसी पेबल वगैरह को बांध दिया और उसको आप ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहे हो, तो आप पकड़ रहे हो, तो ये आप हो और वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, चारों तरफ पेबल। जिस जगह पे ये टूट जाएगा धागा, उस जगह ये सीधा जाएगा। जिस भी जगह टूटेगा ये उससे उसी जगह पर स्ट्रेट मूव कर जाएगा, ठीक है। ये वाला पाथ नहीं, मतलब ये धागा टूट जाएगा जहां पे भी, ठीक है, तो ये उससे लीनियर पाथ में मूव करेगा। और जब तक ये आपका फोर्स यानी आपका हैंड, ये पेबल, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमेशा सेम थ्रेड का एंड पॉइंट जहां पेबल है और आपका हाथ, हमेशा सेम डिस्टेंस बनी हुई रहेगी, तो हमेशा पाथ कैसा रहेगा? सर्कुलर। जिस जगह ये फोर्स टूटा, सेंटीपीटर फोर्स खत्म हुआ, उसी जगह पे ये ऑब्जेक्ट सीधा लीनियरली मूव कर जाएगा। तो सेंटीपीटर फोर्स का काम क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को एक यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करवाना। हाँ पूछो। वो अलग रीजन है, अभी हम यहाँ सेंटीपीटर फोर्स बस ये समझ रहे हैं बेसिकली कि किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है और वो पिक्चर में कब आता है। सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जिस्टेंस तभी आ पाती है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हूं, ठीक है। जो आप कह रहे हो कि ये कितनी तेजी से जाएगा, ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा इसको प्रोवाइड करा रहे हो, यानी कि आप फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हो, डायरेक्शंस को चेंज नहीं कर रहे हो। सकता है कि यहां पर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा होता,
तो ये उसी स्पीड से ट्रेवल करता उसके रेस्पेक्ट में। यहां मैं अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू बढ़ा दूंगा 20 न्यूटन, तो इसके घूमने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। जितनी स्पीड यहां बढ़ाएंगे उतनी तेजी से ये सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट करेगा। सिंपल है। अब ये चाहे फोर्स से आप सीधा फेंको, आप 10 न्यूटन से सीधा फेंकोगे तो वो उस स्पीड से जाएगा इसके रेस्पेक्ट वाली, है ना, लीनियर में। और अगर आप लीनियर में इसको 20 न्यूटन से फेंकोगे तो यहां पे भी तो इससे तेज स्पीड से जाएगा। तो सिंपल है। तो ये लीनियर मोशन में जाना, लीनियर मोशन में जाना और सर्कुलर पाथ में जाना, जाने का स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है। तो अब जब हमने सेंट्रीपिटल फोर्स समझ लिया है तो जल्दी से इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी ऑब्टेन कर लेते हैं। तो हमें यह पता है कि यह जो फोर्स है यह सेंट्रीपिटल फोर्स है टुवर्ड द सेंटर, और जो एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर लगता है वो क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ तो फोर्स आया, या ये उल्टा बोल दूं, फोर्स है तो एक्सेलरेशन है। तो अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसके रेस्पेक्ट का सेंट्रीपिटल एक्सेल फोर्स अगर सेंट्रीपिटल है तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल बोला जाएगा। तो अगर मैं यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा कि अगर ये m मास का ऑब्जेक्ट है तो एफ सी पी शुड बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज m इंटू ए सी पी, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, हमें पता है सिंस ए सी पी अभी अभी हमने ऑब्टेन किया था या तो है v स्क्वायर अपॉन r या ओमेगा स्क्वायर r। तो आप ये इनमें से कोई सी एक वैल्यू 2 से 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे, सो व्हाट डू यू गेट, f इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर अपॉन r और m ओमेगा स्क्वायर r। इसको देख के आपको कुछ कुछ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कहीं पे देखा देखा सा लगना चाहिए, सुना सुना होना चाहिए, सुना सुना नहीं। कहां पे सुना सुना होगा, आपने सुना होगा एटम चैप्टर केमिस्ट्री ग्रेड 11, अगर आप लोगों ने एटम पढ़ा है तो केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस फोर्स, न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहां पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड होता है वो mv स्क्वायर अपॉन r। आपने ये फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ा होगा, निकलता कैसे, ये है फिजिक्स, फिजिक्स के थ्रू हमने फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, कहीं पे भी जो भी फोर्स, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स ये नहीं है कि यही होता है, सेंट्रीपिटल हर वो फोर्स को नाम दिया गया है जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाए रखे, मूव करवाता रहे। किसी भी ऑब्जेक्ट जो भी फोर्स हो, वो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला मैंने अभी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो वो जो फोर्स होगा वो दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही क्या बोला जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और उस टाइम इन चीजों में जब भी आपको इक्वेट करना है आप उस ऑब्जेक्ट की इस वैल्यू से इक्वेट कर सकते हो। हालांकि अब वो ग्रेड 12 में आएगा, फिर भी मैं आपको एक फॉर्मूला अभी यहीं पे बता देता हूं, समझ लीजिएगा, मतलब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ लो बस। Q1 Q2 अगर कोई दो चार्ज हो और उनके बीच के डिस्टेंस अगर r हो तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको कूलम्ब फोर्स बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू होती है 1/4π ε0। सर ये क्या बता रहे हो, कुछ भी नहीं, बस मैं ये बता रहा हूं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, दो चार्जेस के बीच में, एक Q1 और एक Q2। अब यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लूं तो ये बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे कुछ चार्ज होगा, न्यूक्लियस पे चार्ज, जैसे अगर सोडियम ले लूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, तो उसका मतलब उसमें 11 ही न्यूट्रल स्टेट में इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। तो यहां पर जेड बोल दिया जाता है, जेड इंटू ई, Z का मतलब देखो 11, 11 क्या बता रहा है कि 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, तो Z E तो हो गया आपका प्रोटॉन का टोटल चार्ज न्यूक्लियस पर। ठीक है, नहीं समझ में आए तो छोड़ देना, बाढ़ में जाने देना, है ना।
और अगर यहाँ पे ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बात करें, होंगे बहुत सारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स के अंदर, है ना 281, तो बीच के किसी भी आप ऑर्बिट की भी देखना चाहो, कहीं की भी देख सकते हो, मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन पर इस पूरे न्यूक्लियस चार्ज का फोर्स देख रहा हूं, तो वो फोर्स इस फॉर्मूले से कितना आएगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन की वैल्यू क्या है जेड ई, दूसरा चार्ज कौन है इलेक्ट्रॉन ई, इनके बीच की क्या डिस्टेंस हो गई आर, आर स्क्वायर, ये कितना बना के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये सोडियम का एटम होता तो जेड लिख देता मैं 11, मैग्नीशियम है तो 12 लिख दूंगा, गोल्ड है तो 79 लिख दूंगा, जो भी आप जिस भी एलिमेंट का एटम की बात कर रहे हैं। क्या यही फोर्स इस टाइम पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है? बिल्कुल है। तो ये फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। अब इसको करते कैसे, अगर इस इलेक्ट्रॉन का मास है एम, लीनियर स्पीड हो वी, तो आप यहां पे इसकी वैल्यू को के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को इक्वेट करते हो एम वी स्क्वायर अपॉन आर से। अब फिर जो चीज आपको फाइंड करनी हो, स्पीड फाइंड करनी हो, तो ये वी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, ये यहां से डेरिवेशन होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये बाद में आगे चीजें आएंगी आपके, फिर भी एक मेरा एम था थोड़ा सा आपको फैमिलियर करवाना। कितनों को यहां तक समझ में आया, एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपको इस समझ में आया कि हम किस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स को कहां कहां एक्ट करते हैं। ये आपने सन मान लिया, ये आपने अर्थ मान लिया, ये अर्थ का मास हो गया एम, ये अर्थ की स्पीड हो गई वी, लीनियर स्पीड टेंजेंशियल स्पीड। ठीक है, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स आपने बोला ये हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर, बेसिकली ये तो फॉर्मूला आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का बोला है, लेकिन यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा कौन रहा है? आप लोगों ने बताया था कि ये क्यों घूम रहा है, वो कौन था जिसने हाथ की जगह का काम कर रहा था, ग्रेविटेशन फोर्स। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप ग्रेड 9 से पढ़ते हुए आए हैं, और वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि अगर कोई दो मास हो m1 m2 के और उनके बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r हो, तो फॉर्मूला आता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पे बात करूं तो ये फॉर्मूला जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ सन इनटू, तो उसको m1 ही बोल दूं, सिंपली m1, और इसको m2 बोल देता हूं, तो जी क्या बन गया m1 m2 और इनके बीच की जो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है वो इनकी रेडियस क्या ला रही है ना, कैपिटल आर स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू, ये किसको किसका काम कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर, और अपन अब रेडियस को ही हमने क्या बोल रखा है, ये हो गया, ये इस तरह से इक्वेट कर देते हैं। अब देखिए आप, ये मास किसका है, घूमते हुए पार्टिकल का, तो ये कौन है m2, ये m2 से एक m2 कट गया, जी m1 अपॉन एक r से ये r कट गया, r इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अगर आपको अर्थ की लीनियर स्पीड पता हो तो इन दोनों के बीच की रेडियस निकल गई ना, अगर मास ऑफ सन पता हो तो, इसको नीचे ले आए इसको उधर ले आए, ये हो गया, या रेडियस पता है स्पीड निकालनी तो स्पीड पता चल जाएगी, अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r। ये आप किस में पढ़ेंगे, आगे अपकमिंग चैप्टर, ये है कोर्स में, ग्रेविटेशन चैप्टर है ये, उसका एक डेरिवेशन मैंने यही खत्म कर दिया, ग्रेविटेशन चैप्टर है हमारा, है ना, उस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज द लीनियर स्पीड, अंडर रूट gm अपॉन आर, खत्म। ठीक है, कितनों को समझ में आ गई ये कहानी भी?